की कला सवाई मोरी मात की, कैसी हो रही जय जयकार की भगतों के कारण चली, तो मैया मेरी हो कैसे रे सवार। की लाली मेरी मात की और चित देखूं तितलाल, की लाली देखन में गयो तुम मैं भी हो गयो लाल, की तेरी सानो सखावत जमा से खरीदे की खरीदे तुझे देते हुए नहीं देखा मां, नगर भक्तों की झोलियां, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, यूं ही नहीं आती तेरे दरबार में ये दुनिया मां, दर पे आने वालों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और हे कल्याणी मात भवानी री, ओरी माँ हे कल्याणी मात भवानी, हेरी नगर कोट सुविधाम तेरा, हेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा री मां, लेके चलते नाम तेरा री मां, लेके चलते नाम तेरा, हे कल्याणी मात भवानी, हे कल्याणी मात भवानी, नगर कोट अजर अमर और आदि शक्ति माँ हो, अजर अमर, अजर अमर और आदि शक्ति तेरी ज्योति अखंड जले माई, हेरी रहे निसंख निडर जग में जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे माई, जो तेरा ध्यान धरे हरणी, दुख हरणी सुख करनी तू धन के भंडार भरे माई, एक कभी हार और कभी हार ना हो सकती, जो तेरा लेके नाम लड़े माई, वो तेरा लेके नाम लड़े माई, तेरा लेके नाम लड़े माई, वो रावण से जब युद्ध हुआ री हो, हुआ वहाँ धरे के ध्यान और धरे के ध्यान गए राम तेरा, हेरी ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा, री माँ लेके चलते नाम तेरा,
कि सुनया होगा कि महाभारत में दानवीर राजाकरण का जिक्र। राजाकरण बड़ा दानवीर हुआ, 52 सोना रोजाना दान किया करता था, इतना बड़ा दानवीर हुआ। आइए, उसके ऊपर मेरी माता रानी की बड़ी असीम कृपा थी। किस तरह से दान किया था, किस तरह से मरते दम तक दान कर गया, आइए माँ की कृपा से क्या लिख दिया ना मर्दों में। और ये अश्वर संहारण भगत के उभारण, अश्वर संहारण भगत के उभारण, जगतारण कल्याणी माँ अपन कर लई शरण, तेरा करण बली था दानी माँ, अपन कर लई शरण, तेरा करण बली था दानी माँ। खेतन में तीर, खेतन में तीर, रणधीर पड़िया गमगीन लवो पे रानी माँ, ते स्वर्ण दान ना छोटी आने तेरे ध्यान में खास नानी माँ, स्वर्ण दान ना छोटी आने तेरे यो सारी दुनिया नाम रटेरी हो, यो सारी दुनिया नाम रटे और सभी जगह घर काम तेरा, हरे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चले तेरा नाम तेरा री माँ, लेके चले तेरा नाम तेरा री माँ, लेके चले दो कली रही, दो तर्ज रही। नंबर तीन में जिक्र किया, आपने एक कहानी सुनी होगी राजा नल की, आला से, डोला से, रसिया से, रागनियों से। राजा नल जो था वो माता रानी का बहुत लाडला भक्त था, और माता रानी के ऊपर, राजा नल की, माता रानी की, राजा नल के ऊपर ऐसी असीम कृपा थी कि जिस घड़ी में, जिस संकट में राजा नल माता रानी का सुमरण करता था, माँ उसी समय शेर पर सवार उसके सामने हाजिर हो जाया करती थी। एक बार जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोरदार। राजा नल की जन्म की बड़ी अजीब कहानी है। राजा नल के पिता के दो नाम थे, राजा प्रथम भी कहते थे, राजा वीरसेन भी कह दिया करते थे। राजा नल के जो पिताजी थे, ये राजा नल के जन्म होने से पहले बता रहा हूं, उनके घर में 101 रानी थी, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की कोई ऐसी टेढ़ी नजर थी कि 101 रानियों में से किसी के संतान नहीं हुई, कहिए सच्चे दरबार की। बड़ी रानी थी पटरानी मंझा रानी। एक दिन एक माता रानी का भक्त भिक्षा मांगता हुआ रानी के महल की तरफ आता है। रानी भिक्षा देते समय रो रही थी, उस माता रानी के भक्त ने रानी के मस्तक की रेखा पढ़ी कि माई तू तो बांझ है, कि हाँ हम महाराज की 101 रानी हैं, मैं बड़ी रानी पटरानी मंजा हूँ, लेकिन हम 101 में से किसी के कोई संतान नहीं है, बाबा कोई कृपा हो जाए आपकी, हमारा भी एक कोई पुत्र हो जाए जो हमारे राजा का नाम चल जाए, हमारी वंश बेल चल जाए, कहिए सच्चे दरबार की तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन बेटी एक काम करना होगा कि क्या, माता रानी की सुबह शाम घर में ज्योति जलानी होगी, माँ के नवरात्रों के व्रत करने होंगे, माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ कराना होगा, तेरी झोली भर जाएगी कि बाबा ये तो मैं कर दूंगी, अगर ये कर देगी तो माँ तेरी झोली भर देगी, कहिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी की ज्योति जलानी शुरू करी, माँ की सेवा ठाणी शुरू करी, माँ की कृपा से बड़ी रानी मंझा रानी गर्भवती हो गई, कहिए सच्चे दरबार की जय। गर्भवती जब हो गई, 2-3 महीना जब हो गए रानी मंझा को, 100 रानी आपस में काना फूसी करने लगी कि पटरानी के बेटा पैदा हो गया तो तुम्हारी कोई कदर नहीं रहेगी,
कोई ऐसा यतन बनाओ कि इसे मरवाओ। सौ की सौ राजा से चुगली कर देती है महाराज। आपको कुछ पता है, महारानी महारानी साहिबा गर्भवती है कि हाँ मुझे बड़ी खुशी है, बड़े दिनों के बाद हमारे घर में एक फूल खिलने जा रहा है। महाराज बड़ी बुरी बात हो जाएगी कि कैसे ये गर्भ आपका नहीं है, किसका है? तुम तो दरबार में चले आते हो, तुम्हारे से पीछे महारानी एक बाबा जी को बुला लेती है, वो बढ़िया खीर पूरी बढ़िया दावत मारे, पूरे दिन महलों में पड़ा रहे, और जब तुम्हारा आने का टाइम होता है तो जब वो चला जाता है। राजा के मन सा पाप कर दिया, सौ की सौ ने इकट्ठी होकर राजा के दिमाग में बात फिट बैठा दी। राजा सुनकर के कहानी को बड़ी बड़े असमंजस में पड़ गया। करूं तो करूं क्या, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। इस तरह से चलते चलते छह सात महीना का गर्भ रानी मंजा का हो गया। अब तो सौ रानी फिर से चुगली करती है महाराज। जब क्या है कि जब पाप का घड़ा फूट जाएगा, उससे पहले कोई यत्न करो महाराज। राजा ने जल्लाद बुलाए और रानी मंजा को जल्लादों के हाथों सौंप दिया कि इसे ले जाओ और इसको कत्ल कर दो, इसके दोनों नेत्र निकाल के लाओ, इसका चीर इसके खून में रंग करके लाओ, कहिए सच्चे दरबार की जय। जल्लाद भी अब जंगल में ले गए दुखिया को। कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को अपने प्राणों की परवाह नहीं होती, अगर परवाह होती है तो नन्ही जान की परवाह होती है। भगवान से यही दुआ करती है वो माँ, हे भगवान चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित इस दुनिया में आना चाहिए। एक बार अपनी जन्म जननी माँ के लिए जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली। सजना जल्लाद जब ले गए रानी मंझा को, जल्लाद कहने लगे रानी साहिबा हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपको जिंदा छोड़ेंगे, क्योंकि आप निर्दोष, आप हमें बताएं कि आप निर्दोष। आप एक काम करिए, अपनी साड़ी में से थोड़ा सा चीर फाड़ के हमें दे दो और तुम आराम से सुरक्षित रहो। रानी ने पल्ले में से थोड़ा सा चीर फाड़ा और जल्लादों को दे दिया। उन जल्लादों ने एक बनी से हिरनी का शिकार किया, उसके दो नेत्र निकाले, खून में कपड़ा रंग के राजा का भ्रम दूर कर दिया, कहिए सच्चे दरबार की। रानी के नौ मास पूरे हो गए और जब दर्द शुरू हो गए, रानी हींस के पेड़ की जड़ में बैठ जाती है और कहते हैं कि वो छोटा सा हींस का पेड़ माता रानी की कृपा से 20 विषय में फैल गया, कहिए सच्चे दरबार की। जब दर्द शुरू हो गए, माता रानी को बुलाती है, मेरी माता एक बुढ़िया दाई बनकर के पहुंचती है बियाबान जंगल में। वो दाई माई किस तरह से रक्षा करती है अपनी इस बेटी की, सुनने लायक बात होगी। आइए क्या बता दिया। और दुखी हुई मंझा रानी, दुखी हुई मंझा रानी, तुझे करके याद बुलाया री माँ, उस बिकट बनी के बीच ही सुमें नलसा बेटा जाया री माँ, उस बिकट बनी के बीच ही सुमें नलसा बेटा जाया माँ। रानी मंझा ने नल जैसे पुत्र को जन्म दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली। माता रानी ने बुढ़िया का रूप बना करके दाई दाई पने का सारा काम किया और सारा काम करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। कुदरत का करिश्मा ये मैं नहीं कह रहा कि जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, लेकिन रानी मंजा के स्तनों में दूध नहीं आया। बेटा रोने लगा, बिना दूध के तड़प रहा है बियाबान जंगल में। ये माँ शेर पर चढ़ करके उस बियाबान जंगल में भ्रमण कर रही है और उस बच्चे के दूध का इंतजाम कर रही है मेरी माँ। एक शेरनी ब्याई हुई नजर आई, शेरनी ने शेर को दूध पिला करके सुला दिया। जाकर के माता कहने लगी कि हे बेटी, अरे तेरा बेटा तो दूध पी करके चैन की नींद सो रहा है, एक बेटा थोड़े से दूध के लिए रो रहा है, कहिए सच्चे दरबार की जय। तो माई मैं क्या करूं, शेरनी का कान पकड़या कि चल मेरे साथ। कहते हैं कि नल ने पैदा होते ही माँ का दूध नहीं, माँ भगवती की कृपा से शेरनी का दूध पिया था। एक बार जोरदार ताली हो जाती, एक बार जोरदार। अरे बोला सिंगनी लाई ही समय उसका दूध पिलाया री माँ, बोला सिंगनी लाई ही समय उसका दूध पिलाया री माँ,
लखिया बन से कांडे लाके सतका बिहार यारी मां लखिया बन से कांडे लाके सतका बिहार हरी शिव से योगी बहन गयरी मां हो शिव से योगी बहन गयरी जब देख ली हरी संग राम तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश लेके चलते नाम तेरी मां लेके चलते नाम तेरा पटवारी माँ के सभी युवा साथियों ने मिलकर के सुंदर सा जागरण मेला कराया। ऐसे वक्त माँ के चरणों में लेट जाते हैं, कहते हैं आवे दास निरास पास तेरे, आवे दास निरास पास तेरे, पूरण आस करो माता मैं मती मंद आधीन तेरे, मेरे डट में भगती भरो माता, निराकार नहीं पावे पार मेरे दुख संताप हरो माता, संसार सकल तेरी ज्योति अटल निर्बल के संग लड़ो माता, संसार सकल तेरी ज्योति अटल निर्बल के संग लड़ो माता, हरी कहे कन्हैया बिन राधा के, सुना रह गया श्याम तेरा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब लेके चलते नाम तेरा री मां, लेके चलते नाम तेरा री मां, लेके चलते नाम तेरा। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ सर से ऊपर और बजाएंगे ताली। आद की भवानी तेरे ग्रंथन में परिमाण, मीठी मीठी ताली दोनों हाथ उठा करके, बहुत गजब की बात कर रहा हूँ, माँ की महिमा कर रहा हूँ सच्ची। अरे आद की भवानी तेरे ग्रंथन में परिमाण, ब्रह्मा विष्णु शेष मोने शंका जग धरते ध्यान, मैं हूँ मध्य मंद मैया ही ये मैं नहीं है ध्यान, मैं हूँ मध्य मंद मैया ही ये मैं नहीं है ज्ञान, मैं हूँ मध्य मंद मैया ये मैं नहीं है ज्ञान। अरे कालन की काल काली काल का महाकाल, बड़े बड़े चैत तन हने डारे तत्काल, ज्योति अखंड तेरी मनोरी पर मशाल, ज्योति अखंड तेरी मनोरी पर मशाल, ज्योति अखंड तेरी मनोरी पर मशाल। एक दिन संकट में कपि ने मनाए लई, कपि कहते हैं बालाजी हनुमान, तालियां ये माँ की महिमा है। हनुमान बालाजी बजरंगी ने भी माँ को मनाया पर कब मनाया, एक दिन संकट में कवि, एक दिन संकट में कपि ने मनाए लई, पूछ में लगाए आग लंकाऊ जराए दई, सिया ने मनाई मात राम ते मिलाए दई, सिया ने मनाई मात राम ते मिलाए दई, सिया ने मनाई मात राम ते मिलाए दई। हरि पंडो ने सुमरी जगत देव शीश काट के चढ़ाए दियो, है गई दयाल मात धर पे जमाए दियो, है गई दयाल मात धर पे जमाए दियो, है गई दयाल मात धर पे जमाए दियो। अरे नल ने मनाई तेने नेक न लगाई देर, कारे गंडे लाई तेरो सजी गयो भूलो शेर, रटत मटोल कहां सो गई मेरी वेर, रटत मटोल कहां सो गई मेरी वेर, रटत मटोल कहां सो गई। और सुनी तेर पिंडी जब मंदिर में थर थराई,
सुनी तेरे पिंडी जब मंदिर में थर थराई, सिंह की सवारी मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। सबरी सभा के सब एक संग बोलो भाई, सबरी सभा के सब एक संग बोलो भाई, सबरी तेरा।